अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ मसूर की दाल का पुलाव। इसके लिए जो अज़ा की दरकार है हमें, वो हमें चाहिए 2 कप चावल, 1 कप मसूर की दाल, 1 चम्मच पिसी सूख मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, 3 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट, 3 चम्मच पिसा हुआ धनिया, या आप 2 चम्मच भी ले सकते हैं, 2 से 3 चम्मच पिसा हुआ धनिया, नमक हसबे ज़ायका, तेल 3 से 4 चम्मच, प्याज 1 दरमियानी साइज़ की, 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर, 5 हरी मिर्चें, और साथ ही खड़ा गरम मसाला। गरम मसाले में हमें 4 सब्ज़ी इलायची और 4 ही लौंग और 2 दालचीनी की स्टिक चाहिए। तो अब हम बनाने की तरफ चलते हैं। बनाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि दाल को हमें 10 मिनट तक अच्छी तरह पानी से धोने के बाद 10 मिनट के लिए भिगो देना है, और इसी तरह से चावल को भी 10 से 15 मिनट तक धोने के बाद अच्छी तरह से भिगो देना है। उसके बाद हम फिर पकाने की तरफ चलते हैं। मैं तेल डाल रही हूँ, साथ ही इसमें ये प्याज भी ऐड करें। गरम मसाला ऐड कर देते हैं। काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं, हमें इसमें मसाले ऐड कर दें, फिर लाल पीसी मिर्चे, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और साथ नमक। नमक आप अपने रायके के मुताबिक डालिएगा। अभी अच्छी तरीके से हल्दी के साथ एक साथ धोने का पतीला से बनाते हुए थोड़ा खुला लीजिएगा ताकि चावल खुले और अच्छे तरीके से बने, और ज़्यादा वो सॉफ्ट और चिपके चावल ना बने, खुले खुले से पुलाव बने। अब इसमें मैं दाल ऐड कर रही हूँ, भीगी हुई दाल, तो 10 मिनट तक या 10-15 मिनट तक भीगी हुई वो ऐड कर दाल को इस तरह से थोड़ा सा भून लेंगे। तकरीबन भून गई है, इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी। चावल हमारे 2 कप थे, तो इसलिए मैं पानी इसमें 4 कप ऐड करूंगी। इस तरह से पानी इसमें मैंने डाल दिया। जैसे ही चावल में उबाल आएगा, ये मैंने फिर इसमें मैं चावल ऐड करूंगी। अभी मैं इसमें ये मिर्चें और ये धनिया और पुदीना थोड़ा थोड़ा सा अगर आपके पास है तो घर में ये भी डाल दीजिए। इसमें जैसे ही उबाल आता है तो मैं इसमें चावल डाल दूँगी। ये देखिए इसमें बॉइलिंग आ रही है पानी में, पानी बॉयल हो रहा है। अब इसमें हम अपनी ये जो चावल है ये डाल देते हैं। नमक साथ ही देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा नमक मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा नमक ज़रा ज़्यादा रखिएगा क्योंकि चावल थोड़े फीके हो जाते हैं, क्योंकि चावल बढ़ता है तो उसकी वजह से चावल थोड़ा नमक कम महसूस होता है, तो थोड़ा नमक थोड़ा और डाल दीजिएगा जायके के मुताबिक। जिस पर पानी डालने के बाद नमक चेक कर लें कि नमक जायके के मुताबिक ठीक है। ये जैसे ही पानी थोड़ा इसका खुश्क होता है तो मैं इसको दम पे रखूँगी। ये पानी देखिए इस तरह इतना खुश्क हो गया, पक गया इतना पानी, इतना है ये पानी देखिए। और ये राइस भी तकरीबन इस तरह से है,
इसका पानी जब इतना रह जाए तो अब इसे हम दम पे रख देंगे हल्की आंच पे, जिस तरह से नॉर्मली चावल दम पे रखे जाते हैं, ढक्कन ढक के। मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे, जिस तरह से चावल दम दिए जाते हैं, बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिए। उसके बाद ये कोई 15 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद, जैसे आपको लगता है कि दम अच्छा खासा आ गया है सर, तो थोड़ा चेक कर लीजिएगा बीच में। तो कम से कम 15 मिनट तक या 10 मिनट तक के लिए मैं दम पे इसको रखूँगी और फिर देख चेक करती हूँ। ये अब 15 मिनट के बाद मैं तकरीबन, देखिए दम हो गए हैं चावल, तकरीबन दम आ गया। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, ड्राई हो गया है पानी दम का। मैं अब डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइस को आप दम टमाटर की चटनी के साथ, रायते के साथ, या खीमे के साथ, या शामी कबाब, जिस तरह से चाहें आप सर्व कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में ये रायते के साथ और सलाद के साथ बहुत अच्छी लगती है, बना कर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पुलाव पसंद आएगा और इसका फीडबैक भी मुझे दीजिएगा, किस तरह कैसी लगी आप लोगों को बनाने में, कैसी लगी। दूसरी रेसिपी तक आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।